खबर सुल्तानपुर से है, जहां बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी की दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोसाईगंज थाना क्षेत्र के उघड़पुर चौराहे की ये घटना है। बदमाशों ने सीमेंट लेने का झांसा देकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बड़े भाई पर जानलेवा हमले की पैरवी से विपक्षियों ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा। पुलिस अधीक्षक से भरी मीणा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल पहुंचाया। परिजनों की चीख से अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। गोसाईगंज में लगभग 5 बजे भूपेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। उसी दौरान दो युवक दुकान पर आए और सीमेंट का मोल भाव करने लगे। उसी दौरान उन युवकों ने गोली चला दी, जिससे भूपेंद्र घायल हो गया, जिसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर वालों से पूछताछ में ये तथ्य निकल कर आया कि वर्ष 2019 में मृतक और आरोपी युवकों के बीच बाइक टच होने को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ धारा 307 और 392 भादवी का मुकदमा लिखा गया था। उसमें सभी आरोपी जेल गए थे, गैंगस्टर की कार्यवाही भी की गई थी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पिछले मुकदमे के मुख्य आरोपी के साथ 5 दिवस पूर्व पुलिस की मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें एक गोली आरोपी को लगी थी। 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर प्राप्त हुई है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमें रवाना है। जो घटना घटित हुई उसके संबंध में क्या कार्रवाई? थाना गोसाईगंज में आज एक युवक को आपस की रंजिश में गोली मार दी गई है, जिसकी डेथ हो गई है। शिथिल पुलिस परिवेक्षण, पर्याप्त चेकिंग फ्रिस्किंग ना करने और अपराधियों पर नियंत्रण ना करने के आरोप में इंस्पेक्टर गोसाईगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। उगड़पुर कस्बा पड़ता है, वहाँ पर एक युवक को दुकान पर जो बैठे हुए थे उसको गोली मारी गई। तत्काल उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। घर वालों से मेरी बात हुई है तो उनका कहना ये है कि किसी के साथ उनका वाद विवाद था, उन लोगों के ऊपर ही ये आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो शेष विधिक प्रक्रिया है उसको संपन्न किया। सर, इसके पहले भाई की मैं 1.5 साल पहले इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ था, उसमें सभी लोग जेल भी गए थे। उन लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा जो विधिक कार्रवाई थी संपन्न भी करवाई गई थी। कुछ दिनों पहले भी मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से फायर किया गया था, उनकी तरफ से फायर किया गया, जिसमें गोली भी एक युवक को लगी थी, जिनको ये आरोपित कर रहे हैं। तो बाकी जो भी तथ्य हैं उनको हम चेक करें। सर, व्यवसायी है, किस चीज़ का व्यवसाय करता था? जी, ये सीमेंट और बालू का व्यवसाय था। दुकान पे बैठे हुए थे, इनका कहना ये है कि वो लोग आए और मोल भाव करने लगे, उसके उपरांत कोई वाद विवाद के दौरान गोली चली है। लेकिन हम सभी तथ्यों को देख रहे हैं, जो भी होगा उसको शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कठोर कार्रवाई जो भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, बदमाशों की संख्या पता लग पाई किसी से थे वो? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हम लोग कर रहे हैं।